एक्सरसाइज का फोर्थ न्यूमेरिकल देखो ना, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमने आगे जो देखा ये S1 स्लिट थी, ये S2 स्लिट थी, दो स्लिट है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसका? यंग का। यंग नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कभी कभी आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर या तो कहीं पे आए पूछेंगे इन वाईडीएसी, इन वाईडीएसी, वाईडीएसी पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तब कंफ्यूज मत होना कि ऐसा तो सबने हमको कुछ चलाया नहीं है, या तो कोई ऐसा पूछेगा सर गलत क्वेश्चन है। टू स्लिट सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट मतलब स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.28 इनटू 10 रे टू माइनस 3 मीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड अवे 1.4 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, समझ लीजिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से एक दो तीन चार, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वन टू थ्री फोर, फोर्थ ब्राइट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 1.2 सेंटीमीटर, कितना है 1.2 सेंटीमीटर ये दिया है, तो आपको क्या पूछा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट है ना, वेवलेंथ पूछी, बोलो कौन सी फ्रिंज है, कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज मतलब कौन सा इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब, बोलो एक्स एन डी बाई डी इज इक्वल टू कौन सा इक्वेशन लगेगा, एन लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होगा एक्स एन डी बाई एन डी, हियर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कौन सी ब्राइट फ्रिंज फोर्थ, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या लेंगे फोर्थ, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू एक्स एन कितना है 1.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, स्मॉल डी कितना है 0.28 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, कैपिटल डी कितना है 1.4 और ये 4, सॉल्व करोगे आप, देखो सॉल्व करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1.4 और 28 हो जाएगा ना, 14 टू सा 28 ये 100 और ये 10 तो 0.2 होगा ना, ये 0.2 और ये 1.2, ये 0.2 इसको 0.2 मतलब 10 रेस टू माइनस 1 मतलब ये 10 रेस टू माइनस 1, ये 2 टू सा 4 और ये कितना होगा 0.6 समथिंग आंसर आएगा, बराबर, तो ये वेवलेंथ हो गई।